नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर बैठक हुई संपन्न, जिला अधिकारी ने की बैठक की अध्यक्षता। अब सभी ग्राम पंचायतों के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर, पंचायतों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। रामलीला मंचन को लेकर प्रशासन तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा, जिला अधिकारी ने रामलीला आयोजकों और अधिकारियों के साथ की बैठक। रामलीला मंचन से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और बहनोई को आजीवन कारावास। 2008 में महिला ने बहनोई के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। गन्ने की नई किस्म को लेने के लिए कल से किसान कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद तैयार की गन्ने की नई किस्म। गन्ने की नई किस्म कोसा 17231 से किसान होंगे मालामाल। ऑनलाइन बुकिंग के लिए गन्ना शोध परिषद की वेबसाइट पर जा सकते हैं किसान। और जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 उप निरीक्षकों के किए तबादले, कई को मिली नई तैनाती। एसपी बोले कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। तो ये तो थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं, तो वहीं कई उप निरीक्षकों को नई तैनाती भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा का कहना है कि जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर तबादले किए जाते हैं और उसी सिलसिले में ये तबादले भी किए गए हैं। इस दौरान कई उप निरीक्षकों को थानों में तैनाती दी गई है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किसानों के लिए गन्ने की नई किस्म लाया है। गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत के बाद कोसा 17231 गन्ने की किस्म तैयार की है। इस गन्ने के बीज की मिनी बीज किट अब किसानों को वितरण की जानी है। मिनी बीज किट लेने के लिए गन्ना शोध परिषद की वेबसाइट पर जाकर किसान बुकिंग कर सकते हैं। जिन किसानों के गन्ने की बुकिंग हो जाएगी उनको 21 अक्टूबर को गन्ने का बीज मुहैया करा दिया जाएगा। इस मिनी बीज किट की 100 सिंगल बड किसानों को दी जाएगी, जिसके एवज में किसानों से 200 रुपए लिया जाएगा। सायापुर में अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 40,000 रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। 2008 में महिला ने बहनोई के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर हत्या की थी। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पत्नी और उसके रिश्तेदार को जेल भेज दिया गया था। हत्या की वारदात 9 नवंबर 2008 की है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र में कालीचरण नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश को फेंकते हुए पड़ोसी प्रेम कुमार ने देख लिया था, जिसमें मृतक की पत्नी निशा और उसका बहनोई सर्वेश लाश को प्लाट के पीछे फेंक रहे थे। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद अपर सत्र न्यायालय में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। आज अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने पति कालीचरण की हत्या में शामिल पत्नी निशा और उसके बहनोई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 40,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। पुरानी पेंशन बहाली योजना संयुक्त मंच की आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के संयोजक नरेंद्र त्यागी ने की। इस बैठक में कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय संयोजक शिवगोपाल मिश्रा कल सायापुर आ रहे हैं। पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में शाहजहांपुर के कई खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर बेहतर प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में 66 किलो भार वर्ग में प्रिंस कुमार मिश्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि 52 किलो भार वर्ग में साबान ने दूसरा और कुलदीप सिंह ने चौथा स्थान हासिल किया। ये सभी खिलाड़ी कोच मोहित तिवारी के नेतृत्व में खेलने गए थे।
जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज ऑपरेशन त्रिनेत्र की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था। बैठक के दौरान सीसीटीवी कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम ग्राम पंचायतों में लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों, सामुदायिक शौचालयों, ग्राम सचिवालयों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हैं। ये भी चेतावनी दी गई है कि व्यक्तिगत स्थान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि त्रिनेत्र ऑपरेशन के लिए उन्हीं ग्राम पंचायतों को चयनित किया जाए। यहाँ ऑपरेशन कायाकल्प, गौशाला निर्माण और आंगनवाड़ी केंद्रों का काम पूरा हो चुका है। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज जन जागरूकता कार्यक्रम किए गए। यहां महिला पुलिस आरक्षियों द्वारा कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ अन्य महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान यूपी डायल 112 वुमन पावर हेल्पलाइन 1090 के साथ साथ अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, साथ साथ आत्मरक्षा से संबंधित टिप्स और महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। अल्लागंज पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोयला ज्ञानपुर गांव की रहने वाली महिला नन्नी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से पुलिस ने अब अशोक नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में होने वाली भव्य रामलीला के मंचन को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज प्रशासन ने रामलीला आयोजकों के साथ एक बैठक की और उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों से प्रमाण पत्र अवश्य ले लें। साथ ही इस दौरान बैरिकेटिंग के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भूमि को समतल करने, गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को रामलीला स्थल के ढीले तारों को कसने के लिए कहा गया है। कटरा क्षेत्र के सेठ रामचंद्र सिंह इंटर कॉलेज में 2 अक्टूबर को हुई विज्ञान और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आज सम्मानित किया गया। आज प्रबंधक रूम सिंह यादव और प्रधानाचार्य सतीश यादव ने बच्चों को पुरस्कार दिए। आपको बता दें कि जूनियर वर्ग में राजा सागर ने पहला और सीनियर वर्ग में प्रियांशी यादव ने पहला स्थान हासिल किया। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज समाज सुधारक काशीराम की 17वीं पुण्यतिथि के मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एसपी कॉलेज के इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने कहा कि काशीराम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रभावित थे। 1964 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक पढ़ने के बाद सामाजिक परिवर्तन का संकल्प लिया। समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का निश्चय भी किया। चौक कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जान से मारने की नीयत से गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना 7 अक्टूबर की है, जब मोहल्ला अजीजगंज में रात करीब 9 बजे दाताराम नाम के व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने सुपेक नाम के अभियुक्त को पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका साथी सचिन सोनी फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना सदर बाजार के कटिया टोला मोहल्ले में विजय स्टूडियो वाली गली में नगर निगम की पानी की पाइपलाइन फट गई। इसका पानी सड़क पर बहने लगा। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद भी पाइपलाइन को बंद नहीं किया गया और कई घंटों तक पानी गली में ही बहता रहा। समाज सुधारक काशीराम की पुण्यतिथि शाहजहांपुर में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन भी किया गया। जीएफ कॉलेज के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कुमार श्रीवास्तव मनीषी की 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। पुस्तकों का विमोचन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव, एसएस लॉ कॉलेज के सचिव डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र, बाल साहित्यकार और जीएफ कॉलेज के प्रोफेसर अरशद और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलदीप दीपक ने किया।